देश के ज्यादातर किसान अपने खेतों से साल भर में एक या दो फसलें ही ले पाते हैं, जबकि इससे उनकी जरूरतें पूरी होती नहीं और खेत भी कई महीने खाली रहते हैं। लेकिन खेती पर मॉडर्न रिसर्च के बाद कई तरह के फसल चक्र पर जोर दिया गया, जिससे आपको लगातार और एक साथ कई उपज मिल सके और मिट्टी की क्वालिटी भी बनी रहे। इस क्रम में कैच क्रॉप की बात करना बहुत उपयोगी है। इसके तहत ऐसी फसलें आती हैं जिनकी खेती दो मुख्य फसलों के बीच संभव है। आज एक ऐसी ही फसल तोरिया के बारे में जानिए। दरअसल तोरिया खरीफ और रबी के बीच जल्द ही तैयार होने वाली तिलहनी फसलों में आती है। इसकी खेती सीमित सिंचाई में भी संभव है और आप इसकी खेती के कई उन्नत विधियों को अपनाकर फसल से अच्छी उपज ले सकते हैं। अभी इस समय जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने जैसे सितंबर के महीने में अगर आपका खेत खाली हो जाता है या आपने चारे के लिए सबूत मक्का लगाया है जो कि 7 दिन में तो करने के लिए तैयार हो जाता है, या आपने उड़द या मूंग लगाया हुआ है तो वो भी करीब 7 दिन में तैयार हो जाती है। तो अगर सितंबर के महीने में अगर आपका खेत खाली हो जाता है तो आप उस समय भी कुछ फसलों को लगा सकते हैं। तो इसमें आपके पास क्या क्या मतलब इसमें विकल्प उपलब्ध हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विकल्प के बारे में अगर हम बात करें तो कई सारी फसलें हैं और उनकी ऐसी किस्में इनको हम लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सितंबर के महीने में कई क्षेत्रों में हमारे किसान भाई तोरिया की फसल लगाया करते थे। तोरिया की बुआई से पहले आप ये तय कर लें कि आपने जिन बीजों को बुआई के लिए चुना है वो उन्नत किस्मों का है, साथ ही आपके क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सटीक है या नहीं। वैसे तोरिया की किस्मों में M27, TS36 और रागनी जैसी किस्में बेहतर हैं। अगेती सरसों हम जिनको बोलते हैं, अगेती सरसों की हम बात करें जैसे पूसा सरसों 25 है, पूसा सरसों 26 है, पूसा सरसों 28 और एक JD6 करके है, पूसा महक भी है। तो ये कुछ ऐसी किस्में सरसों की हैं जिनको हम जल्दी भी लगा सकते हैं। सितंबर के महीने में अगर लगाते हैं तो आपको ये दिसंबर के आखिरी तक काटने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद आप फसल विविधीकरण को अपनाते हुए उसमें या तो आप पछेती गेहूँ को लगा सकते हैं। आप भले ही कैच क्रॉप के रूप में तोरिया लगा रहे हों, लेकिन आपकी लागत और मेहनत तो इसमें भी वैसी ही लगती है जैसे अन्य फसलों में। इसलिए इस फसल की बेहतर उपज के लिए आपको अन्य फसलों की तरह ही सचेत रहना चाहिए। इसमें सबसे पहले सावधानी बीजोपचार की है। सामान्य तौर पर इसमें 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई उपयुक्त होती है। बीजों को बुआई से पहले 2.5 ग्राम थीरम से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। तोरिया की फसल की बुआई से पहले खेत की तैयारी में सबसे पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। तोरिया की बुआई सितंबर के पहले सप्ताह से सितंबर के चौथे सप्ताह तक कर लेना अच्छा होता है। देसी हल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर कतारों में इसकी बुआई करने के बाद पाटा लगाकर बीज ढंक देना चाहिए। अब आइए जानते हैं तोरिया की खेती में उर्वरकों का प्रयोग किस तरह से करना बेहतर होता है। सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में तोरिया की बुआई करने पर नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम और पोटाश 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए और जहां सिंचाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहां उर्वरकों की मात्रा बढ़ाकर डालें। जैसे नाइट्रोजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटाश 50 किलोग्राम इस्तेमाल करें। भले ही तोरिया की खासियत यही हो कि ये कम सिंचित फसल है, लेकिन फिर भी फूल निकलने की अवस्था में इसकी सिंचाई जरूरी है। तोरिया की बुआई के बाद 15 दिन बाद घने पौधों को निकालकर पौधों की आपस की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए और खरपतवार नष्ट करने के लिए निराई गुड़ाई करनी चाहिए।
तोरिया की फसल में अब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाएं, तो फसल की कटाई करके सुखाने के बाद उसकी मड़ाई करनी चाहिए। इन तकनीकों के माध्यम से की गई तोरिया की खेती में 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है, जो आपके लिए बोनस के समान है। इससे हुई अतिरिक्त आय से आप अपनी जरूरतें अच्छी तरह पूरी कर सकते हैं, साथ ही अगली फसल के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।